नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विराम वाचने आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस डॉग को पेरिनियल हर्निया वाली समस्या थी। पेरिनियल हर्निया कुत्तों में एक ऐसी स्थिति है जो तब होती है जब पेल्विक डायफ्राम में कमजोरी होती है, जो मांसपेशियों और कनेक्टिव टिश्यू हैं जो पेल्विक कैविटी को पेरिनियल क्षेत्र से अलग करती है। यह कमजोरी पेल्विक अंगों जैसे मूत्राशय, मलाशय या प्रोस्टेट ग्रंथि को पेरिनियल क्षेत्र में ढकेलने की अनुमति देती है, जिसके परिणाम स्वरूप उभार या सूजन होती है। नर कुत्तों में पेरिनियल हर्निया अधिक आम है। विशेष रूप से वे जो न्यूट्रल नहीं हैं और 6 वर्ष से अधिक आयु के हैं। इस स्थिति के लिए अति संवेदनशील नस्लों में बोस्टन टेरियर, बॉक्सर्स, काकर स्पेनियल, डशुंड और वेल्श कार्गिस शामिल हैं। कुत्तों में पेरिनियल हर्निया के लक्षणों में शौच या पेशाब करने में कठिनाई, कब्ज, मल त्याग के दौरान तनाव, पेरिनियल क्षेत्र में दर्द या बेचैनी और एक दृश्य उभार या सूजन शामिल हो सकते हैं। गंभीर मामले में हर्निया के कारण मूत्राशय या मलाशय पड़ सकता है जो जानलेवा हो सकता है। पेरिनियल हर्निया के उपचार में आमतौर पर कमजोर पेल्विक डायफ्राम की मरम्मत और पेल्विक अंगों को उनकी उचित स्थिति में वापस लाने के लिए सर्जरी शामिल होती है। दोस्तों, पेरिनियल हर्निया एक गंभीर स्थिति हो सकती है जिसके लिए तत्काल पशु चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगर आपको संदेह है कि आपका डॉग इस स्थिति से पीड़ित हो सकता है तो जितनी जल्दी हो सके पशु चिकित्सा देखभाल की तलाश करना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस डॉग का एक्सरे कराया गया और आप एक्सरे में देख सकते हैं क्लियर कट पेरिनियल हर्निया वाली स्थिति इस एक्सरे में दिखाई दे रही है। दोस्तों, सर्जरी शुरू करने से पहले सर्जिकल साइट पर बड़ी बारीकी से एक इंसीजन लगाया जाता है और अंदर के सभी ऑर्गन को एक्सपोज किया जाता है। तत्पश्चात सभी ऑर्गन को अंदर की तरफ पुश करके मसल्स को सूचरिंग करने की कोशिश की जाती है। सभी मसल्स को बारी बारी करके सूचर किया जाता है ताकि किसी भी तरह की परेशानी भविष्य में इस डॉग को ना हो। अंत में स्किन सूचर लगा के सर्जरी का समापन किया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो सर्जरी के तुरंत बाद की है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जो स्वेलिंग हमें पहले दिखाई दे रही थी अब वो अपनी सामान्य स्थिति में आ चुकी है। दोस्तों, पेट ओनर द्वारा सभी दवाइयों का सही से पालन किया गया और डॉक्टर के बताए हुए सभी निर्देशों का पालन किया, जिसका नतीजा ये रहा कि 1 महीने बाद यह डॉग पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है और इसे अब किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों, इस तरह की सर्जरी आपको किसी भी पंजीकृत पशु शल्य चिकित्सक से ही करवानी चाहिए, अन्यथा जरा सी लापरवाही आपके पशु के लिए भविष्य में घातक सिद्ध हो सकती है। दोस्तों, इस तरह की किसी भी सर्जरी एवं इलाज हेतु आप हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और समय रहते अपने पशु की जान बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, इसे हमने नज़दीक से दिखाने की कोशिश की है, यह डॉग पूर्ण रूप से अब सही हो चुका है। दोस्तों, इस डॉग के पूर्ण रूप से सही होने पर आइए पेट ओनर से कुछ वार्तालापें करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम उस जगह आए हुए हैं जिस डॉग को एक पेरिनियल हर्निया था। आज की तारीख में वो पूर्ण रूप से सही हो चुका है। तो जो उनके पेट ओनर हैं तो उनसे कुछ हम बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंदपाल सिंह। हाँ, ये कॉलोनी कौन सी लगती है? गणेश धाम कॉलोनी, आप इंटरनेशनल स्कूल। अच्छा, क्वारसी, अलीगढ़। अच्छा, मैं सर ये आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे आपके डॉग को जो परेशानी हुई थी तो शुरुआत मतलब किस तरह हुई थी? इसे पोटी में जाने में कोई परेशानी या कुछ इस तरह से? पहले इसको मतलब इसकी तबीयत खराब हुई और सरकारी अस्पताल में दिखाया, उसके बाद फिर ये लैटिन इसकी जो है लैटिन करने में प्रॉब्लम होने लगी। तो आपने इसके जो पीछे का जो हिस्सा देखा कि मोटापन या कुछ गांठ वगैरह ऐसी कुछ बनी रही? हाँ, थोड़ा टाइट था। अच्छा अच्छा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो पेरिनियल हर्निया हो जाता है तो उसमें पीछे के जो रेक्टम कोलोन वाला जो पार्ट होता है वो पीछे की तरफ आ जाता है स्किन में, तो उससे क्या होता है एनिमल जो है पॉटी करने में उसे परेशानी होती है।
तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह जब आपने उसे गांठ दिखी तो फिर आपने इसे कहीं दिखवाया? आपने कई डॉक्टरों, चार पांच डॉक्टरों को दिखवाया था, पांच डॉक्टरों। अच्छा, फिर उन्होंने क्या आपको सलाह दी थी? अलग अलग सजेशन दिया उन्होंने, कहा कि जो है कोई कह रहा था कि इसके फोड़ा हो गया, कोई कह रहा था कि इसके जो है मतलब गांठ हो गई है, अलग अलग डॉक्टर कह रहे थे। तो मतलब उसके लिए कुछ दवाई का ट्रीटमेंट वगैरह भी? हाँ, ट्रीटमेंट चला डॉक्टरों का। अच्छा, फिर उसे कुछ आराम नहीं मिला? आराम मिला था लेकिन उसमें गांठ में नहीं मिला। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमारे बारे में आपको जानकारी कैसे? हमारे एक मिलने वाले रिश्तेदार हैं जोधपुर में। अच्छा अच्छा, लल्लू सिंह, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक डॉक्टर है, उनको और आप दिखा लीजिए। अच्छा अच्छा, तो अब जैसे उसका ऑपरेशन के बाद अब आज की तारीख में वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल सही है, वो पॉटी वॉटी सही कर रहा है? बिल्कुल पॉटी सही कर रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है। आपका ये जो पेरिनियल हर्निया वाला केस होता तो टिपिकल टाइप का है, क्योंकि अगर लंबे टाइम तक अगर वो जानवर इस तरह की पोजीशन में रहता है तो आगे चल के उसे और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बन जाते हैं, पॉटी नहीं हो पाती है तो कई बार डेथ भी हो जाती है। तो आप जो है सही समय पर हमारे पास आ गए और हमने इसका ऑपरेशन किया, तो आज की तारीख में वो एनिमल जो है बिल्कुल तरह से पूरी तरह से स्वस्थ है। हाँ बिल्कुल ठीक है। और मैं आपके अपने चैनल के माध्यम से मैं आप सबको बस यही कहना चाहूँगा, जब भी आप किसी को भी इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट के बारे में अगर कोई बताते हैं तो या जाते हैं तो किसी रजिस्टर्ड वेटरनरी डॉक्टर के पास ही जाएँ, क्योंकि एक बार में आपको सही इलाज मिलेगा और आपके एनिमल भी जल्दी सही होगा। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। और बाकी आप देख ही रहे होंगे कि वीडियो में कि अब एनिमल जो है पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। हाँ कंप्लीट सही है और सही स्वस्थ है और ठीक पॉटी वगैरह कर रहा है। और लोग बाग यहाँ कह रहे हैं कि आपने जो है अच्छे डॉक्टर से सलाह ली और अच्छे डॉक्टर मिल गए आपको, जिससे कि इसका भविष्य सुधर गया कुत्ते का और ये स्वस्थ हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।